हेलो एवरीवन, कल हमने चैप्टर नंबर 9 एग्रीकल्चर इन इंडिया के बारे में पढ़ा था, जिसमें अपन ने मेजर फूड ग्रेन क्रॉप्स, कमर्शियल क्रॉप, प्लांटेशन क्रॉप और गार्डन क्रॉप्स के बारे में जानकारी ली थी कि कौन कौन सी क्रॉप्स जो है उसको गार्डन क्रॉप्स में रखा जाएगा, प्लांटेशन क्रॉप्स में रखा जाएगा, कमर्शियल क्रॉप्स में रखा जाएगा और फूड ग्रेन क्रॉप्स में रखा जाएगा। आज अपन बात करेंगे मेजर फूड ग्रेन क्रॉप्स ऑफ इंडिया के, वो कौन सी ज़्यादा बड़ी फसलें हैं जो फूड ग्रेन क्रॉप्स के रूप में भारत में यूज़ की जाती है। सबसे फर्स्ट आएगी व्हीट, गेहूँ। गेहूँ सबसे मेजर क्रॉप्स में आती है क्योंकि हमारे यहाँ पर सबसे ज़्यादातर गेहूँ ज़्यादा खाया जाता है इन नॉर्थन इंडिया। सबसे ज़्यादा गेहूँ का यूज़ जो है वो नॉर्थन इंडिया में ज़्यादा होगा। इसको टेम्परेचर चाहिए 10 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको ग्रोन होने के लिए अपने को टेम्परेचर चाहिएगा 10 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इसको चाहिए। 25 to 75 सेंटीमीटर रेनफॉल की आवश्यकता होती है और क्लेई सोइल की इसको ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। ओके, 70% ऑफ व्हीट आर ग्रोन इन इंडिया। पंजाब 21%, हरियाणा 6% एंड यूपी 33% व्हीट जो है पंजाब, हरियाणा और यूपी में उगाया जाता है, जो लगभग टोटल 70% के आसपास में होता है। इन राजस्थान व्हीट इज ग्रोन इन श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, अलवर, भरतपुर, जयपुर एटसेट्रा। राजस्थान के अंदर श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, अलवर, भरतपुर, जयपुर और यहाँ पे सबसे ज़्यादा गेहूँ उगाया जाता है। और इंडिया इज थर्ड लार्जेस्ट कंट्री आफ्टर USA एंड चाइना। ओके, तो भारत जो है दुनिया का तीसरा वो सबसे बड़ा देश है जहाँ सबसे ज़्यादा गेहूँ उगाया जाता है। पहले नंबर पे चाइना आता है, सेकंड नंबर पे USA। ओके, तो ये थे व्हीट। व्हीट हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा नॉर्थन इंडिया यानी उत्तर भारत में सबसे ज़्यादा खाया जाता है। टेम्परेचर चाहिए इसको 10 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड, रेनफॉल चाहिए इसको 25 to 75 डिग्री 25 से 75 सेंटीमीटर रेनफॉल की आवश्यकता होती है और क्लेई सोइल की इसको ज़्यादातर आवश्यकता होगी। ओके, सेकंड नंबर पे हम पढ़ेंगे राइस ड्यूरिंग रेनी सीजन ज़्यादातर। अब सबसे पहली बात तो ये है कि राइस जो है वो हमारे साउथर्न इंडिया में ज़्यादा खाया जाता है, एज वेल एज हम नॉर्थन इंडिया में भी यूज़ करते ही हैं, लेकिन साउथ इंडिया में आप देखेंगे तो चावल का यूज़ ज़्यादा होता है साउथ एंड ईस्ट इंडिया में। ओके, तो राइस जो है ज़्यादातर बारिश के सीज़न में उगाया जाता है। किसके सीज़न में उगाया जाता है? बारिश के सीज़न में, क्योंकि इसको पानी की आवश्यकता ज़्यादा होती है इसलिए इसको ज़्यादातर बारिश के सीज़न में ही उगाया जाएगा। इसको 16 to 27 डिग्री सेंटीग्रेड इसको टेम्परेचर चाहिए और 100 to 200 सेंटीमीटर इसको रेनफॉल की आवश्यकता होती है। 100 to 200 सेंटीमीटर रेन यानी इसको कम से कम 200 सेंटीमीटर का पानी की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए तो ही राइस जो है वो अच्छे से ग्रोन हो पाएंगे, इसलिए इसको ज़्यादातर रेनी सीजन यानी मॉनसूनल टाइम पे उगाया जाता है। मेनली भारत के अंदर थ्री टाइप्स के क्रॉप राइस जो है वो उगाए जाते हैं। थ्री क्रॉप्स ऑफ राइस। राइस की भी तीन कैटेगरीज होती है, फर्स्ट होती है अमन, सेकेंड ओस और थर्ड वन इज बोरो। अमन जो है वो मॉनसूनल सीजन में ज़्यादा उगाया जाता है, ओस जो है वो विंटर सीजन में उगाया जाएगा और बोरो जो है वो समर सीजन में उगाया जाएगा। और इसमें से हम जिस चावल का यूज़ करते हैं और ज़्यादातर जिन चावल का यूज़ होता है, जिस राइस का यूज़ होता है, वो अमन टाइप का जो राइस है उसका ज़्यादा यूज़ होगा। लगभग इसका 86% पार्ट जो है हम चावल में 86% पार्ट जो है अमन वाली मॉनसूनल सीजन में होने वाले चावल का यूज़ ही करते हैं। ओके, मॉनसूनल सीजन में ज़्यादा होता है, किसमें होता है? मॉनसून में होता है, इसलिए अमन जो है उसको ज़्यादा ग्रोन किया जाता है। ओके, 90% पार्ट ऑफ टोटल प्रोडक्शन ऑफ राइस इन इंडिया इज डन इन वेस्ट बंगाल 15%, आंध्र प्रदेश 14%, यूपी 12%, ओडिशा बिहार एंड तमिलनाडु। तो 90% पार्ट जो है राइस का वो भारत के अंदर वेस्ट बंगाल में 15% तक उगाया जाता है, आंध्र प्रदेश में 14, यूपी में 12 और बाकी का बचा ओडिशा, बिहार और तमिलनाडु में उगाया जाता है। ओके, अब अपन बात करते हैं मेज़, मक्की या मकई। अब जिस तरीके से ये एक फूड ग्रेन है वैसे ही एक कमर्शियल क्रॉप भी मानते हैं। जिस तरीके से जो मेज़ है वो हमारे लिए फूड ग्रेन
क्रॉप्स के रूप में काम आती है एज वेल एज वो एक कमर्शियल क्रॉप्स भी है। ओके, विच वॉज ब्रॉट बाय द पोर्टुगीज इन द 17th सेंचुरी इन इंडिया। अब मक्की जो है 17th सेंचुरी में पुर्तगालियों के द्वारा भारत में लाई गई, यानी हम ये कह सकते हैं कि 17th सेंचुरी से पहले तक लोग जानते नहीं थे या कम जानते थे, तो 17th सेंचुरी के बाद जो पुर्तगाली भारत आए थे उन्होंने 17th सेंचुरी में मेजर जो मक्की होती है मेज होती है उसको भारत में लेके आए थे। और दूसरी बात ये कहूँ कि कमर्शियल क्रॉप्स क्यों कहा जाता है, तो कमर्शियल क्रॉप इसलिए कहा जाता है इसको क्योंकि ये बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करवाती है, जो भी रॉ मटेरियल मेज जो उगाते हैं उसका रॉ मटेरियल जो है बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में जाता है जिससे वो ग्लूकोज और स्टार्च वगैरह ये मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। इसको टेम्परेचर चाहिए 12-35 डिग्री सेंटीग्रेड, ये मेज को ग्रोन होने के लिए 12 डिग्री टू 35 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, 50-100 सेंटीमीटर रेनफॉल की आवश्यकता इसको होती है। ओके, 50-100 सेंटीमीटर रेनफॉल। 60% पार्ट ऑफ टोटल मेज प्रोड्यूस इन इंडिया कम्स फ्रॉम आंध्र प्रदेश 19%, कर्नाटका 17%, राजस्थान 10%, यूपी 10%। ओके, तो 60% पार्ट जो है मेज प्रोड्यूस का वो ज़्यादातर आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, राजस्थान और यूपी से आता है और वर्ल्ड में 10th पोजीशन पे आता है मेज प्रोडक्शन में इंडिया। ओके, तो इंडिया जो मेज प्रोडक्शन करता है उसमें इंडिया का जो पोजीशन है वो कितनी है, 10th पोजीशन इंडिया की वर्ल्ड के अंदर है। ओके, तो ये थे अपने मेजर फूड ग्रेन क्रॉप्स। ओके, होप आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट अपन मिलेट के बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।